आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच में एकदम रोमांचक मुकाबला हुआ। ये मैच आखिरी ओवर तक गया और लो स्कोरिंग मैच को वेस्टइंडीज ने अपने नाम कर लिया। इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि वेस्टइंडीज की वुमेन्स टीम ने किस तरीके से आखिरी ओवर में पाकिस्तान को पटखनी देकर इस मैच को अपने नाम किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज की टीम की बल्लेबाजी एकदम फ्लॉप रही। 20 ओवर में टीम 116 रन बना पाई। इसके बाद जब पाकिस्तान की टीम लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान पर उतरी तो उनकी बल्लेबाजी भी कुछ खास नहीं रही। 1900 ओवर तक पाकिस्तान सिर्फ 99 रन बना पाया था और अपने 4 विकेट भी गंवा दिए थे। अब आखिरी ओवर बचा था और पाकिस्तान को जीत के लिए आखिरी ओवर में 18 रनों की जरूरत थी। गेंदबाजी के लिए वेस्टइंडीज की तरफ से कोने लाइन और उनके सामने फातिमा सना बल्लेबाजी कर रही थी। पहली गेंद पर उन्होंने एक चौका लगा दिया। इसके साथ पाकिस्तान को जीत के लिए अब 5 गेंदों में 14 रनों की जरूरत थी। कोनेल की दूसरी गेंद पर फातिमा सना ने 1 रन लिया। अब ओवर की तीसरी गेंद फेंके जानी थी और कोनेल के सामने आलिया रियाज थी। आलिया रियाज ने इस गेंद पर एक और चौका जड़ दिया। इसके साथ ही अब पाकिस्तान को जीत के लिए 3 गेंदों में 9 रनों की जरूरत थी। आलिया रियाज ने अगली गेंद पर भी एक और चौका लगाया। अब गेंदें बची थी 2 और रनों की जरूरत थी 5। हर किसी को उम्मीद थी कि मोमेंटम पाकिस्तान के साथ चल रहा है तो पाकिस्तान इस मैच में जीत दर्ज कर लेगा, लेकिन हुआ कुछ और। ओवर की 5वीं गेंद कोलैन ने डाली और आलिया रियाज इस गेंद पर आउट हो गई। इसके साथ ही पाकिस्तान के 113 रन पर 5 विकेट हो गए। कोनेल के सामने उमाइमा सोहेल आई और आखिरी गेंद पर लेग बाय का सिर्फ 1 रन मिला। इसके साथ ही वेस्टइंडीज ने इस मैच को 3 रनों से अपने नाम कर लिया। इस वीडियो में फिलहाल अभी इतना ही है। ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और क्रिकेट की खबरों से जुड़े रहने के लिए खबर विभाग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।